आज की इस वीडियो के माध्यम से हम V बराबर I इंटू आर इस सूत्र को कैसे हल किया जाता है यह जानेंगे। वैसे तो यह सूत्र बहुत से लोगों के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस आसान से सूत्र को हल नहीं कर पाते। तो चलिए इसे आसानी से समझते हैं। इस सूत्र को हम आसानी से समझने के लिए एक सवाल का सहारा लेते हैं, जैसे कि हमें कुछ इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं कि यदि किसी परिपथ को 240 वोल्ट सप्लाई स्रोत से जोड़ा गया है और उस परिपथ को प्रतिरोध 60 ओम है, तो उस परिपथ में होने वाली धारा के प्रवाह का मान ज्ञात करो। यानी कि हमें इसके अंदर दो चीज़ दी गई है और तीसरी चीज़ ये पूछना चाहता है। यानी कि इसमें हमने वोल्टेज दिया हुआ है और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, यह हमसे धारा का मान पूछना चाहता है। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है? वैसे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे सवाल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है। तो इससे हम समझते हैं, सबसे पहले ऐसे सवाल आते हैं तो हमें यह लिखना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है और क्या क्या हमें ज्ञात करना है। जैसे हमें वोल्टेज दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वी बराबर 240, यानी कि वोल्टेज का मान हमें यहाँ पर लिख दिया। और जैसे हमें प्रतिरोध दिया हुआ है तो हमने R इक्वल टू 60 लिख दिया, क्योंकि प्रतिरोध का मान हमें 60 दिया हुआ है। अब हमें जो ज्ञात करना था वो था विद्युत धारा का मान, यानी कि करंट, और जिसे I इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। तो इसे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है V इक्वल टू I इंटू R, यानी कि यहाँ पर V का मान वोल्टेज है, I का मान करंट और R का मान प्रतिरोध। यहाँ पर हमें V का मान भी पता है, R का मान भी पता है हमें, बस I का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि V इक्वल टू I इंटू R है। जब हम इस R को पक्षांतर करके इस V के पास में भेजेंगे तो यह V के भाग में चला जाएगा, यानी कि अब हम I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हम यहाँ पर इनका मान रख देंगे, मान V का मान है 240, उसके बाद R का मान है 60। जैसे हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं तो I इक्वल टू 4A आता है। यहाँ पर A हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो भी करंट का मान ज्ञात किया जाता है वो ज्ञात किया जाता है एम्पियर के अंदर, और एम्पियर को ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से कीजिए, और सबसे मेन चीज़ ये होती है इसमें कि आपको जो भी दिया गया है और जो भी ज्ञात करना है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर, जिससे आपको यह पता होगा कि क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है और कौन कौन सी जगह से हमें उसे सूत्र में रखना है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।